Yeah, good. Beautiful. Immortal hona ek bada honor hai. एक ऐसी दुनिया में आपका स्वागत है जहां स्टार्स बनाए जाते हैं, पैदा नहीं होते, जिन्हें आप बिल्कुल असली कह सकते हैं। वैसे आप प्रीमियर्स में अपनी जगह इस चीज को भेज सकते हैं। मैं जानना चाहती हूं खुद को छूकर कैसा लगता है। एक ऐसी दुनिया में आपका स्वागत है जहां लोग सेलिब्रिटीज के साथ होते हैं और सेलिब्रिटीज खुद को देख कर हैरान होती हैं। ये तो बहुत ही अमेजिंग है। I love it. अच्छा है ना? एक ऐसी दुनिया जहां आर्टिस्ट और क्राफ्ट्समैन सेंचुरीज पुरानी टेक्निक्स इस्तेमाल करके बिल्कुल असली इंसान बनाते हैं जो बरसों से चला आ रहा है। आप बता नहीं सकते कि कौन असली है और कौन नकली। ये पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उन्हें धूप में रख दिया जाए। ये सब शुरू हुआ था एक यूनिक लेडी की सोच के साथ। तो ये आर्ट जो उन्होंने 200 साल पहले ढूंढा था वो अब यूएसए आ रहा है। दुनिया के सबसे मशहूर वैक्स म्यूजियम में आपका स्वागत है, मैडम टुसॉड्स। बिग बेन, और आपके सामने है वेस्टमिंस्टर एबी। लंदन में आने वाले विजिटर्स यहाँ की हर जगह देखते हैं और उसमें ट्रफाल्गर स्क्वायर और बिग बेन के साथ मैडम टुसॉड्स भी खास है। मैडम टुसॉड एक ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन है, साथ ही ये लंबी लाइन भी जो हर नए अट्रैक्शन को देखने के लिए एक्साइटेड रहती है। ये लाइन समर में आधा किलोमीटर तक लंबी हो जाती है जब पूरी दुनिया से लोग यहाँ सेलिब्रिटी के ग्लैमर से खींचे चले आते हैं। एल्विस प्रेसली, फ्रैंक सिनाट्रा और शायद फ्रैंकेनस्टाइन, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, और मुझे ब्रिटनी स्पीयर्स और स्पाइस गर्ल्स पसंद नहीं। मेरे ख्याल से इससे अच्छी वैक्स पर्सनालिटीज आपको पूरी दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। लाइन में बने रहिए प्लीज, लाइन में। मैडम टुसॉड्स में हर साल 3 मिलियन विजिटर्स आते हैं। ये नंबर व्हाइट हाउस जाने वाले विजिटर्स से 2 गुना ज्यादा है। एक बार अंदर जाने के बाद आप दुनिया के 387 फेमस पर्सनालिटीज को नजदीक से देख सकते हैं। सेट पर सब शांत हो जाइए। लाइट्स, साउंड, वॉल्यूम, स्पीड, एक्शन। लगता है जैसे बिल्कुल असली जॉन वेन खड़े हो। हाँ, वो लंबे हैं, बिल्कुल असली लग रहे हैं। वैसे ये सेलिब्रिटीज इस बार एक अच्छी ऑडियंस बनते हैं। गॉड, ये फिल्म्स में बिल्कुल ऐसे ही खड़े होते हैं। हाँ, ये बिल्कुल असली लग रहे हैं। ओह माय गॉड, ये सेलिब्रिटी यहाँ के अलावा सिर्फ आपके सपनों में ही इतना करीब हो सकते हैं। उन्होंने इनकी चेस्ट तक हैरी बनाई है। पिछली बार जब मैं यहाँ आई थी तब बहुत छोटी थी, तो मुझे याद है मैं ये सब देखकर बहुत हैरान हुई थी। मैं ये सोच रही थी कि मैं अपने बचपन के सारे आइडल्स और सेलिब्रिटीज को असली में देख रही थी, पर अब यहाँ आकर लगता है कि ये टेक्नोलॉजी कितनी अमेजिंग है, क्योंकि इनमें से कुछ को देखकर ऐसा लगता है जैसे आप बिल्कुल उनके साथ खड़े हैं। जबरदस्त है, बहुत बड़ा म्यूजियम है। नहीं? हाँ, वाकई। ये फिगर्स हिस्ट्री के हर पीरियड और हर फील्ड से हैं। इसे पूरा देखने के लिए करीब 2 घंटे लगते हैं। ये अमेजिंग है कि उन्होंने इतने सारे लोगों को बनाया है। ये वाकई बढ़िया है रॉब। इनके बाल देखो। हाँ, ये बाल लग रहे हैं, ये वाकई असली बाल लग रहे हैं। बालों पर अच्छा काम किया। ये असली बाल है। हाँ, ये असली बाल है। मुझे लग रहा था ये स्प्रे पेंट है। नहीं, असली है। इन पर उन्होंने असली बाल लगाए हैं। मैं ये 1000 बार कह चुका हूँ कि मुझे इस आदमी का साइज देखकर हैरानी होती है। मुझे लगा था वो अलग होंगे, जैसे शॉन कॉनरी के ज्यादा चौड़े शोल्डर हैं। पिक्चर में इनकी असली साइज छिप जाती है और ये इनकी स्टैचूज देखने के बाद ही पता चलता है। उन्हें हर इंसान की कोई एक खास चीज दिखानी होती है, जैसे किस तरह से वो एक्ट करते हैं, और मेरे ख्याल से ये मुश्किल काम है। मेरा मतलब, उन्होंने 95% लोगों पर कमाल का काम किया है। मैडम टुसॉड में आया हर विजिटर ये गेम खेलना पसंद करता है कि ये वैक्स स्टैचूज कितनी असली दिखती हैं। एक टेस्ट लिया जाए, क्या तुम सारे प्रेसिडेंट्स के नाम बता सकते हो? राइट से शुरू करो। रुको एक सेकेंड। वॉशिंगटन, बुश, लिंकन, क्लिंटन। पर ये एक अच्छे बिल है। ये बहुत गिल्टी लग रहे हैं।
मैंने कुछ नहीं किया। वैसे तुम सही कह रहे हो, ये बुश काफी बढ़िया है। इनकी स्किन देखो, ऐसा लगता है जैसे भी कमाल बोलने वाले हैं। हाँ, और इन्हें बिल्कुल उसी तरह से बनाया है जैसे ये असल में दिखते हैं। जैसे ध्यान से देखो उनका फेस, देखो उनके होंठ खुले हैं। हाँ, और क्लिंटन हमेशा ऐसे ही दिखते हैं। पर मुझे रेगन उतने खास नहीं लगे। पर रेगन को वैसे भी इन सब से कुछ मतलब नहीं था, वो कुछ और ही सोचते हुए दिख रहे हैं। वैसे उन्होंने यहाँ काफी बढ़िया कलेक्शन रखा है। दुनिया में ऐसे और भी वैक्स स्टैचूज के म्यूजियम्स हैं जिनमें से कुछ को देखकर ये साफ पता चलता है कि हम जो कर रहे हैं वो उसे कॉपी करने की कोशिश करते हैं। पर हमारी और उनकी वैक्स की स्टैचूज में सबसे ज्यादा फर्क मेरे ख्याल से हमारे काम की क्वालिटी है। मेरा मतलब जिस तरह से हम वैक्स की स्टैचूज को फिनिशिंग देते हैं। पर मैडम टुसॉर्ट के विजिटर्स ये नहीं जानते कि इन वैक्स स्टैचूज को बनाने में आखिर कितनी मेहनत लगती है। यहाँ मैडम टुसॉर्ट के स्टूडियो में टैलेंटेड आर्टिस्ट इन स्टार को बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ बनाते हैं। ये टीम एक खास प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, ब्रिटेन के सबसे फेमस गर्ल बैंड पर, स्पाइस गर्ल्स। बीटल्स के बाद ये पहली बार हो रहा है जब टुसॉर्ट किसी एक पूरे बैंड के ऊपर काम कर रहा है। फिगर्स करीब करीब पूरे हो चुके हैं। कल असली स्टार्स बेबी, स्कैरी, स्पॉटी और पॉश यहाँ आकर अपने आप से मिलेंगी, जो थोड़ा अजीब जरूर है। My God! मुझे यकीन नहीं होता। ये बिल्कुल मैं ही हूँ। Wow! मैं थोड़ी स्कैरी दिख रही हूँ, है ना? ये तो बहुत ही अमेजिंग है। I love it! हाँ, मुझे ये बहुत सेक्सी लग रही है और खूबसूरत भी। मजाक कर रही हूँ। इसका जवाब नहीं। जीन, वेल डन। मैं जानना चाहती हूँ खुद को छूकर कैसा लगता है। वेल डन एवरीबॉडी। दुनिया के सबसे मशहूर वैक्स म्यूजियम मैडम टुसॉर्ट के स्टूडियो में ब्रिटिश गर्ल बैंड द स्पाइस गर्ल्स अपनी वैक्स स्टैचूज पहली बार देख रही हैं। क्या मैं पीछे से इतनी मोटी हूँ? मैंने इसे देखते ही सोचा, या इट्स ग्रेट। मैंने कहा, पर ये काफी छोटी है, मैं इसे काफी लंबी हूँ। ये लंबी नहीं है, यानी वैसी लेंथ नहीं, ये लेंथ इस पिगटेल के साथ। इस वक्त ये फिगर्स करीब करीब पूरी तरह से तैयार हो चुकी हैं और लोग इन्हें एक हफ्ते में देख पाएंगे। टुसॉर्ट के क्राफ्ट्समैन के लिए अपनी क्रिएशन को फिनिशिंग टच देने का ये आखिरी मौका है। हाँ, ये ठीक है। और ये सारे एक तरफ रहने चाहिए, आप वहाँ उस पिक्चर में देख सकते हैं। मेरा कलर ठीक नहीं है शायद, और मेरा बेली बटन ऐसा नहीं है, मेरा ऐसा छोटा है। इसमें काफी वक्त लगा, जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा। वाकई बहुत वक्त लगा, और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कितना एक्यूरेट है। मेरा मतलब सारे मेजरमेंट्स परफेक्ट हैं। मैं ऐसा ही करती हूँ। मैडम टुसॉर्ट में किस तरह से स्टैचूज बनाई जाती हैं, हमें उन्होंने ये सीक्रेट जानने का मौका दिया। प्रोफेशनल स्कल्प्टर्स को बुलाया जाता है, ऐसे एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट जो क्ले से बिल्कुल असली सेलिब्रिटी बनाने में माहिर होते हैं। ये आर्टिस्ट वही टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं जो दो सेंचुरीज पहले मैडम टुसॉर्ट ने शुरू की थी। क्ले हेड के चारों ओर एक प्लास्टिक मोल्ड बनाया जाता है, उसके बाद उस मोल्ड को मोल्टेड वैक्स से भर दिया जाता है। वैक्स के जम जाने के बाद हेड कास्ट किया जाता है। इंसान को 3D में बनाने के लिए अभी तक ऐसा कोई भी मटेरियल नहीं मिला है जो वैक्स से बेहतर हो। हम वैक्स सिर्फ इसलिए इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल ट्रेडिशन है जो खुद मैडम टुसॉर्ड कई सालों पहले काम में लेती थी, बल्कि इसलिए क्योंकि ये सबसे बेहतरीन मटेरियल है जो बिल्कुल स्किन जैसा दिखता है। आप इसमें वेन्स और रिंकल्स जैसी कई सारी डिटेल्स बना सकते हैं, और वैक्स ही एक ऐसा मटेरियल है जो इसे बिल्कुल असली जैसा दिखा सकता है। हर एक फिगर बनाने में बहुत पैसा और वक्त लगता है। हर पीस को पूरा बनने में 6 महीने और करीब 30,000 pounds लग जाते हैं। और अगर ऐसा कोई इंसान है जो अब नहीं रहा, जैसे बफलो बिल, या कोई ऐसा इंसान जो आर्टिस्ट से मिलना नहीं चाहता जैसे वुडी एलन, तो ये प्रोसेस और भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि उन्हें बहुत नजदीक से जांच कर बनाना पड़ता है। बेवली हिल्स, हॉलीवुड। मैडम टुसॉर्ट के दो आर्टिस्ट लंदन से यहाँ तक नए असाइनमेंट के लिए आए हैं। 3 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी आइस स्केटर मिशेल क्वान टुसॉर्ट की चुनी हुई लेटेस्ट सेलिब्रिटी हैं, जिन्हें वैक्स में इमोर्टल बना दिया जाएगा।
मिशेल, ये है जेनी। हाय। हाय मिशेल, हाउ आर यू? गुड। ये टेक्निकली एक चैलेंजिंग स्टैच्यू होगी। टीम को एक परफॉर्मेंस करती हुई ओलंपिक एथलीट की ग्रेस और ब्यूटी को बनाना होगा। वाओ, ये अमेजिंग। हाँ हाँ, तो इसमें तुम्हारी amazing. पूरी बॉडी जो टुसॉड के हेड आर्टिस्ट स्टीव स्वेल्स इसे सुपरवाइज करेंगे। वाओ, ये अमेजिंग है। लेकिन पोर्ट्रेट बना रही है 26 साल की जेनी पेरी। ये मैडम टुसॉड में नई रिक्रूट हैं और ये इनका पहला मेजर असाइनमेंट है। ये एकदम असली जैसा है, तुम लोग कमाल के हो। ये एक फोटोग्राफ है। ये असली इंसान है। इस तरह से एक स्टैचू बनाने का प्रोसेस शुरू होता है, जिसमें सबसे पहले आता है 3 घंटे का सिटिंग सेशन। इस तरह टीम का पहला मकसद मिशेल से इस बात पर सहमत होना है कि उन्हें किस तरह दिखाया जाए। तो ये ऐसा चलेगा? हाँ, मुझे लगता है ये वाला पोज ज्यादा ठीक रहेगा। मतलब आंखें बिल्कुल सीधी? हाँ, क्योंकि अगर नीचे होंगी तो अच्छा अजीब लगेगा। मैं वैसे नहीं दिखना चाहती। हाँ, सही। मैं सीधे दिखना चाहती हूँ। लेवल पर? अच्छा। आई लेवल से थोड़ा नीचे। हाँ, इस तरह। हाँ, कुछ ऐसा जिसमें आप उन्हें अपने मूव्स अच्छे से पता है। ये बिल्कुल सेम है, परफेक्ट। हाँ, ओके, एक बार फिर से पोज करेंगे प्लीज। ये जरूरी है कि जेनी अपने सब्जेक्ट के साथ अच्छा रिलेशन बनाए। सिटिंग एक प्रिसाइज और इंटीमेट प्रोसेस है, फेमस लोगों के लिए भी जिन्हें अपनी तारीफ सुनने की आदत है। आपको ये पसंद है? हाँ, अच्छा है। ये बढ़िया है। मिशेल क्वान की बॉडी को हर एक एंगल से नापा जाएगा। सब मिलाकर जेनी और स्टीव 200 से भी ज्यादा मेजरमेंट्स लेंगे। हाँ, स्टर्नम का मेजरमेंट ले लिया है। तुम यहाँ मेजरमेंट ले लो। हाँ, मैं मेजर कर रही हूँ। 126.6। इन्हीं सब चीजों की वजह से एक जीती जागती स्टैचू बन पाती है। आपको कुछ नहीं होगा। आंखें बंद कर लीजिए। मुझे पूरे सर की फोटो लेनी है। जेनी को सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके लंदन लौटना होगा, ताकि वो मिशेल क्वान की बॉडी को परफेक्टली 3D में बना सके। आप बैठ सकती हैं। फाइनली मैं बैठ सकती हूँ। मैडम टुसॉड अपनी मूव करती हुई फिगर्स की टेक्निकल क्वालिटी पर प्राउड फील करता है, जैसे रशियन जिमनास्ट ओल्गा कर्बट और इंग्लिश बैले स्टार डार्सी बसल। इमॉर्टल होना एक बहुत बड़ा ऑनर है, क्योंकि आप इसे अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को दिखा के कह सकते हैं कि तुम्हारी ग्रैंडमा ऐसी दिखती थी बिना रिंकल्स के। तो आप कुछ ऐसा पहनना चाहेंगी जो थोड़ा और कंफर्टेबल हो? हाँ, जरूर। ठीक है, मैं बस अभी आई। ओके। मेजरमेंट्स सिटिंग में ही खत्म नहीं हो जाते। सुपर मॉडल और एक्ट्रेस एमक पर्सन अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ वक्त निकालकर अपनी बनती हुई स्टैचू देखने आई हैं। ये बहुत शानदार है, सच कहती हूँ। मैंने अपनी नोज पर कभी इतना ध्यान नहीं दिया। एल मैकपर्सन को लंदन में मैडम टुसॉड के स्टूडियो बुलाया गया एक साइड बाय साइड सेशन के लिए। तुम चाहो तो कुछ रिंकल्स हटा सकते हो। ओके, क्यों नहीं? क्या तुम्हें ज्यादा रिंकल्स पसंद नहीं? कहो तो मैं तुम्हें। साइड बाय साइड सेशन से आर्टिस्ट जिम कैम्पटन अपनी स्टैचू की एक्यूरेसी चेक कर पाते हैं। मुझे अब शर्म आ रही है। तुमने एक और रिंकल बना दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक स्माइल क्रीज है। दोनों में काफी फर्क है। मुझे देखने दो। और वहाँ एले में माइकल क्वान की सिटिंग को अब जल्दी खत्म करना होगा। यहाँ तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है? हाँ, ये ठीक है। मेरे ख्याल से ये मैच हो रहा है। इसको नोट कर लो, ये वाला शेड मैच करता है। अनफॉर्चुनेटली मिशेल लंदन नहीं आ सकती। आर्टिस्ट को ये ध्यान रखना होगा कि वो इस सेशन से सारी जरूरी इन्फॉर्मेशन ले लें। मिशेल सिटिंग बुक साइन करती हैं और इसके साथ ही पहला स्टेज खत्म होता है। That's great. हाँ, हमने सारी इन्फॉर्मेशन ले ली है। ये मजेदार है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं काफी एक्साइटेड हूँ इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर। बस हर चीज को याद रखने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं बहुत सारी चीजें भूल गया था, पर लकीली जेनी को सब याद था। मैं उन्हें सिटिंग के वक्त लगातार देख रही थी और साथ में मेजरमेंट्स भी ले रही थी, तो इससे मैं छोटी छोटी चीजें जान सकी। अभी वापस होटल जाकर कुछ चीजें लिखूंगी और फिर से अपने काम पर लग जाऊंगी।
मैडम टुसॉड की ब्रिटेन में एक अलग पहचान है। सबसे बड़ी सेलिब्रिटी भी ऑनर्ड फील करती है जब उन्हें एग्जीबिशन के लिए चुना जाता है। आज स्पाइस गर्ल्स की स्टैचूज लोगों को दिखाने के लिए रखी जाएंगी मैडम टुसॉड की सिस्टर अट्रैक्शन रॉक सर्कस पर। आज हमें बहुत काम है, यहाँ सारे फिगर्स आ चुके हैं और अब बस इसी लॉट को अंदर ले जाना बाकी है और मैंने अभी तक इनको देखा नहीं है तो। मारिया प्लीज मेरी मदद करो। एक नए चेहरे को मीडिया के सामने लाना एक बड़ा इवेंट होता है, पर एक पूरे रॉक बैंड को लाना तो कुछ और ही बात है। आज का दिन मैडम टुसॉड की रीसेंट हिस्ट्री का सबसे बड़ा दिन होगा, जो पीआर मैनेजर डायन मून के लिए एक सरदर्द बना हुआ है। क्या कोई ये बता सकता है ये क्या चीज है? इस पर आराम से काम करना, कोई जल्दबाजी नहीं है। ऑलराइट, मैं से तुम लोगों पर छोड़कर जा रही हूँ। इस पर क्या लगा है, ये स्मूथ नहीं लग रहा। भले ही स्टार्स वैक्स के बने हो, पर तब भी वो पैपराजी से बच नहीं सकते। और हमें उनके सामने फोटोग्राफर्स लाने होंगे। ओके, कूल। प्रेस 4 घंटे बाद आएगी, पर एक ओवर एक्साइटेड फोटोग्राफर अभी से इसकी एक झलक पाने को बेताब हो रहा है। मैं कॉफी लेने गई थी, मुझे वहाँ UPPA का एक आदमी मिला। मैंने कहा तुम यहाँ इतनी जल्दी कैसे आ गए? उसने कहा मैं यहाँ पहले से ही आ गया था, फिर उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया, तो उसने मुझे कॉफी दी ताकि मैं उसे अंदर आने दूं। UK में मैडम टुसॉड एक इंस्टीट्यूशन है, हम इसी के साथ बड़े हुए हैं, हम यहाँ बचपन से आया करते थे, हम सब इसे जानते हैं और दिल से चाहते हैं, और हमारा इसके साथ बिल्कुल वैसा ही रिलेशन है जैसा अमेरिका के लोगों का डिज्नी के साथ है, कुछ उसी तरह का। ये एक मिलिट्री ऑपरेशन है। पहला हिस्सा आसान होगा क्योंकि तब सिर्फ फिल्म क्रू होगा, दूसरा हिस्सा थोड़ा परेशानी वाला होगा क्योंकि तब फोटोग्राफर्स होंगे। डायन मून आज पहली बार डिस्प्ले पर जाने वाली स्टैचूज के लिए ज्यादा से ज्यादा पब्लिसिटी चाहती हैं, पर साथ ही वो ब्रिटिश प्रेस को भी ऑर्डर में रखना चाहती हैं। लाइन में खड़े रहिए प्लीज। सच कहूं तो मुझे फोटोग्राफर्स अच्छे लगते हैं, मुझे वो पसंद है। वो थोड़े से गुस्से वाले होते हैं पर वो अच्छे होते हैं। इसे थोड़ा ऑर्डर में रखने के लिए आप हमें एक एक करके बुला सकती हैं। नेशनल डेली से आए फोटोग्राफर्स चाहते हैं कि उन्हें पहले बुलाया जाए और अलग से ट्रीट किया जाए, पर डायन मून ये पहले से जानती थी। वहाँ एक लाइन है, हम एक ऑर्डर में लाइन बना रहे हैं क्योंकि एक आदमी वहाँ सुबह से 7 बजे से खड़ा है, इसलिए वो सबसे पहले अंदर जाएगा। अगर किसी को जरूरत हो तो वहाँ एक और सीढ़ी रखी है। ये बहुत खराब है ना। फोटोग्राफर्स रेडी हो जाइए और फिर हम उनके लिए पर्दा हटा देंगे। सब कुछ सही चल रहा है और स्पाइस गर्ल्स इशारा देते ही आ जाती हैं। मैडम टुसॉड के म्यूजियम में किसी सेलिब्रिटी के शामिल होने का मतलब है कि वो अपने काम में बहुत फेमस हो चुकी हैं और ब्रिटिश लोग उन्हें पसंद करते हैं। पर्दा उठने से कुछ सेकंड पहले बैक स्टेज पर स्टार्स भी काफी नर्वस हैं। आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका प्रेस को बेसब्री से इंतजार था। बीटल्स के बाद आप लोगों को ही म्यूजियम में रखा जाएगा, ये एक ऑनर है। हाँ मैंने भी वो सुना। आई नो, पर उसे देखिए, वाओ। मैं वहाँ कुछ इस तरह खड़ी हुई थी एक सर्कल पर और उन्होंने स्पाइस गर्ल्स फॉरएवर ये बैंड का मोटो है, पर फेम हमेशा नहीं टिकता। अगर सेलेक्ट होना एक ऑनर है तो वहाँ से हट जाना मौत से भी बुरा है। मैडम टुसॉड के काम करने का तरीका है एक अंदर तो दूसरा बाहर। हर नए सेलिब्रिटी को एग्जीबिशन में शामिल करने के लिए दूसरे को हटाना पड़ता है। ये जाहिर सी बात है, लंदन एग्जीबिशन कई सालों से एक ही बिल्डिंग में होती चली आ रही है और अगर हम किसी को भी बाहर नहीं निकालेंगे तो वहाँ कोई गेस्ट नहीं आ पाएगा क्योंकि वो हॉल पहले से ही पूरा भरा होगा, तो ऑब्वियसली लोगों को वहाँ से हटाना ही पड़ता है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हटाया नहीं जाता और उन्हें एग्जीबिशन के एक खास हिस्से में शेल्फ पर रख दिया जाता है। वो लोग जिनका स्टारडम सिर्फ कम हुआ है, खत्म नहीं। बाकी बचे हुए लोगों को बेसमेंट में एक दूसरे के साथ बंद कर दिया जाता है। ये बड़ी जाहिर सी बात है कि लोग कहते हैं मुझे नहीं लगता मैं उस आदमी को जानता हूँ। एक नई जनरेशन आती है तो उन्हें शायद नहीं पता होता कि पुराने लोग कौन थे और उन्होंने क्या किया था, और इसीलिए वो अपने आप ही डीसेलेक्ट हो जाते हैं।
तो क्या आप हमें ये सीक्रेट बताएंगे कि अब लंदन में अगला शिकार किसका करने वाले हैं? मैं नहीं बताऊंगा। लॉस एंजलिस से लौटने पर जेनी फेरी ने मिशेल क्वान की स्टैचू के ऊपर काम शुरू कर दिया है। इसे एक मेटल स्ट्रक्चर के साथ बनाया जाता है जिसे आर्मेचर कहते हैं, जो इस फिगर को मजबूती और सपोर्ट देता है। अब मैं आर्मेचर पर क्ले लगाना शुरू करूंगी। मुझे इस पोज को महसूस करना होगा, खासकर इसलिए क्योंकि इसका काफी अलग तरह का मूवमेंट है। इसे अच्छा बनाने के लिए मुझे मिशेल क्वान को याद करके उन्हें फील करना होगा। जेनी बचपन से ही एक स्कल्प्टर बनना चाहती थी और आर्ट कॉलेज में एनाटॉमी और स्कल्पचर पढ़ने के बाद वो टुसॉन आई। इस काम को बहुत ज्यादा वक्त देना पड़ता है क्योंकि इस काम में बहुत मेहनत लगती है। आप हमेशा लोगों को गौर से देखते हैं। मुझे बॉडी में इंटरेस्ट है। मैं टेलीविजन पर और हर जगह सिर्फ यही देखती हूँ। ये उनका बेली बटन है। शुरुआत की स्टेजेस काफी जल्दी खत्म हो जाती हैं, पर बाद के हफ्तों में बहुत ज्यादा वक्त लगता है क्योंकि आपको हर मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट लेना होता है और बॉडी का हर हिस्सा एकदम सही बनाना होता है, और इन्हीं चीजों में सबसे ज्यादा वक्त लगता है। ये जो आप देख रहे हैं ये काफी एक्साइटिंग स्टेज है। ये वाकई मजेदार है क्योंकि आपको बस क्ले लगाकर इसे एक शेप देना होता है। इसे आप आराम से कर सकते हैं और ये काफी क्रिएटिव भी है। हैरानी की बात यह है कि इस काम में बस कुछ घंटे लगते हैं, लेकिन अब से ये काम बहुत धीरे हो जाएगा। वैसे असली मिशेल क्वान हर पल उनके दिमाग में है, और एले से लौटने के चार हफ्ते बाद ही जेनी अपनी स्टैचू अपने बॉस स्टीव स्वेल्स को दिखाने के लिए तैयार थी। उन्हें जेनी के अब तक के काम को मंजूरी देनी होगी जिससे कि वो अगले स्टेज पर काम शुरू कर सके। मुझे लगता है ये कुछ सही नहीं है जेनी, उस तरफ से वेस्ट शायद थोड़ी ज्यादा कटी हुई है। क्या मैं देख सकता हूँ बैक का छोटा हिस्सा किस तरफ आएगा? हाँ। अगर हम इसे मॉडल बनाते हैं तो टुसॉड में हर एक आर्टिस्ट के काम को नजदीकी से जांचा जाता है और स्टीव स्वेल्स अपनी प्रिसाइज जजमेंट के लिए मशहूर हैं। तो अगर तुम गौर से देखोगी तो ये थोड़ा चौड़ा दिख रहा है ना? ये काफी बड़ा है। हाँ। तो वहाँ पर थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे, और इस फिगर का तुमने ब्यूटीफुल फ्लो बनाए रखा है वो अच्छी बात है। जेनी इस वक्त टुसॉड में एक टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रही हैं, लेकिन अभी अभी एक परमानेंट जॉब ऑफर निकला है और जेनी ने उसके लिए अप्लाई कर दिया है। क्वान की स्टैचू उनके लिए एक टेस्ट है, तो ये जरूरी है कि वो उसे बढ़िया बनाए। आखिर में इस फिगर के साथ वो खुद खड़ी होंगी, तो आप नहीं चाहेंगे कि वो एक दूसरे से एक कुछ सेंटीमीटर या कुछ इंचेस छोटे या बड़े दिखें? तो हमें इन चीजों का खास ध्यान रखना पड़ता है। हम कोशिश करते हैं कि ये उनसे एकदम मिलती जुलती दिखें। हमें इसे सिर्फ एक स्टैचू ही नहीं बल्कि असली इंसान का लुक देना होता है। पर मुझे कहना होगा मैं मिलीमीटर मैन के नाम से काफी मशहूर हूँ। हाँ, बिल्कुल सही। मुझे ये पसंद आया तुमने जिस तरह से इस मसल को शेप दिया है। स्टीव को सब कुछ ठीक लगा और उन्होंने जेनी को आगे बढ़ने की मंजूरी दे दी। ओके ठीक, उस लाइन पर थोड़ा और नीचे जाओ। क्या आप वो टॉप पर कर सकते हैं प्लीज? ओके रेडी। ओके ये वायर भी हटा दीजिए प्लीज। हाँ, अब कोई टेंशन नहीं है क्योंकि ये उससे अलग हो चुका है। बॉडी से सर अलग कर देने के बाद जेनी अब इस पर और डिटेल में काम कर सकती हैं। उनका अगला काम है क्ले को इस तरह से मोल्ड करना जिससे वो बिल्कुल अपने सब्जेक्ट जैसा दिखे। ठीक है, चलो चले। ग्रैंड हॉल में एक इंटरनेशनल इवेंट होने जा रहा है। अमेरिकन टेरिटरी पर अटैक हो रहा है क्योंकि स्टाफ उनकी जगह ब्रिटिश रॉयल्स की नई स्टैचूज लगाने जा रहा है। इन्हें फिलहाल यही रख दो, इन्हें किसी से खतरा नहीं। मैडम टुसॉड के ग्रैंड हॉल में लड़ाई छिड़ चुकी है। अमेरिकन प्रेसिडेंट्स को अपनी पुरानी जगह से हटाकर नई जगह पर रखा जा रहा है। ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट को बखूबी समझने वाली मिसेस थैचर को उनके हीरो विंस्टन चर्चिल के साथ रखा जा रहा है। इस तरह, ये सबसे खास है। कल वैलेंटाइंस डे है और स्टाफ लोगों को लुभाने के लिए रॉयल वेडिंग ड्रेसेस का नया डिस्प्ले लगा रहा है। और जब रॉयल वेडिंग ड्रेसेस बन रही होती हैं, तो डिजाइनर्स हमेशा एक ही ड्रेस के दो पीस बनाते हैं।
एक ब्राइड के लिए और एक मैडम टुसॉड के लिए। नए डिस्प्ले में प्रिंसेस डायना के साथ हाल ही के वक्त की दो नई रॉयल ब्राइड्स होंगी, प्रिंस एंड्रू की वाइफ फर्गी, डचेस ऑफ यॉर्क, और काउंटेस ऑफ वेसेक्स सोफी, जिन्होंने 1999 में प्रिंस एडवर्ड से शादी की थी। लेडीज ड्रेस को लेकर हमेशा एक्साइटेड रहती हैं, उनकी मटेरियल, शेप, स्ट्रक्चर, और क्योंकि पिछले कुछ सालों में फैशन काफी बढ़ गया है, सोफी की शादी कुछ साल पहले ही हुई थी, तो वक्त के साथ साथ स्टाइल में भी काफी बदलाव आ जाता है। इसी दौरान ग्रैंड हॉल के दूसरे हिस्से में अमेरिकन प्रेसिडेंट्स अपने नए घर में सेटल हो रहे हैं और उनके पड़ोसी सोच रहे हैं आखिर ये चल क्या रहा है। अपनी नई जिंदगी शुरू करके इन्हें शायद अच्छा लगा, क्या कहते हो? ये डिस्प्ले रॉयल प्रिंसेस की रोमांटिक थीम पर बेस्ड है जो दिल छू लेता है। फर्गी का प्रिंस एंड्रू से 1996 में डिवोर्स हो गया था। डायना की प्रिंस चार्ल्स से शादी एक ट्रेजेडी में बदल गई थी जिसे पूरी दुनिया जानती है। हम प्रिंसेस डायना की शादी के वक्त की फोटोज देख रहे हैं और जिस तरह से वो तब दिखती थीं और जैसी वो अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में दिखने लगी थीं, अगर आप वो फर्क देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। जूडी क्रेग यंग डायना के सिटिंग के वक्त की फोटोज दिखाती हैं। ये पहली बार है जब वो लोगों के सामने आई थीं। वो नहीं चाहती थीं वो बड़ी स्माइल के साथ दिखे, तो उन्हें थोड़ा सीरियस लुक चाहिए था। और मुझे ये बात समझ नहीं आई थी क्योंकि आप इस फोटो में देख सकते हैं कि कितना अच्छा होता अगर वो स्माइल करती हुई दिखाई देती, पर नहीं, उन्हें एक ज्यादा सीरियस लुक चाहिए था। रॉयल्टी और रोमांस का एक शानदार मिक्स, और जल्द ही ये नया डिस्प्ले लोगों के साथ एक बड़ा हिट साबित होता है। उसे देखो, गॉर्जियस है। टुसॉड के स्कल्प्टर जेनी फेरी को वर्ल्ड चैंपियन आइस स्केटर मिशेल क्वान का सर बनाने में पूरा एक महीना लगा। वो उस मोड़ पर है जहाँ ज्यादातर आर्टिस्ट के दिमाग में डाउट्स आते हैं और काम धीरे धीरे चलता है। मैं इस काम को एंजॉय करने की स्टेज से बाहर निकलकर इसे हेट करने की स्टेज में आ चुकी हूँ। मुझे इसमें जो सबसे मुश्किल लगता है वो है आंखें, और मुझे नहीं पता बाकी आर्टिस्ट को भी यही लगता है या नहीं। हर इंसान की जिंदगी उसकी आंखों में होती है और दोनों आंखों को एक ही डायरेक्शन में दिखाना सबसे जरूरी है। मुझे नहीं लगता तुम्हें उसको ज्यादा बाहर निकालने की जरूरत है, मेरा मतलब है तुम उसे सिर्फ नीचे ला सकती हो। हमेशा की तरह स्टीव स्विल्स उनकी मदद करने के लिए हाजिर हैं। ये यहाँ पर। हाँ। वेल, मुझे वो लेवल दिख रहा है, अब ये थोड़ा ठीक दिखने लगा है और ये शायद थोड़ा बड़ा है, तो यहाँ पर। हाँ, तो मेरे ख्याल से इसे थोड़ा बाहर की तरफ करना होगा। मुझे यहाँ पहली बार आकर अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं था कि कोई मेरे काम के बारे में कुछ कहे और मुझे ये बताए कि उसे कैसे करना चाहिए, क्योंकि पहले मुझे बहुत फ्रीडम थी जहाँ मैं अपने आप को अपनी मर्जी के मुताबिक एक्सप्रेस करती थी। ये जगह देख रही हो। हमें सावधान रहना पड़ता है कि हम ज्यादा आर्टिस्टिक फ्रीडम ना दें, पर हम ऐसा नहीं करते। लोग चाहते हैं कि वो उन स्टैचूज को बिल्कुल असली जैसा देखना चाहते हैं, और फिर वो खुद से पूछते हैं कि इनमें से असली कौन है। तो मैं कहूंगी कि कुछ ही आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जिनमें इतना पेशेंस होता है कि वो अपनी टेक्निक को अगले लेवल पर पहुंचा सके। सब आर्टिस्ट में वो बात नहीं होती है। जेनी फेरी को मिशेल क्वान से मिले हुए 4 महीने हो चुके हैं और स्टैचू करीब करीब बन चुकी है। मैंने सिर पूरा बनाकर इसे वापस बॉडी पर रख दिया है। सिर बनाते वक्त मुझे एक ही चीज मुश्किल में डाल रही थी, वो थी स्किन के पीछे की बोन। चीक्स बनाना भी काफी मुश्किल काम था क्योंकि ये बहुत स्मूथ और सटल हैं, तो इसमें मैं अलग अलग चीजें और टूल्स ट्राई कर रही थी जिससे इन्हें स्मूथ बना सकूं, पर मुझे लगता है मैं काफी हद तक कामयाब रही। आज जेनी के लिए एक बड़ा दिन है। इस क्ले फिगर को मंजूरी दी जाएगी ताकि नेक्स्ट स्टेज का काम शुरू हो सके। ये हल्का सा उस तरफ है। जूडी क्रेग ये फैसला लेंगी कि क्या जेनी का काम टुसॉड के स्टैंडर्ड के लायक है या नहीं।
ओके, सामने से देखने पर ये बहुत बढ़िया दिख रही है, मुझे सिर्फ एक चीज ठीक नहीं लग रही, वो है इसके मसल। यहाँ कुछ होना चाहिए, यहाँ कुछ मिसिंग है। मुझे ये तभी समझ आएगा जब मैं किसी को इस पोज में खड़ा देखूंगी, पर ये इसे देखकर मैं बता सकती हूँ कि यहाँ इसकी फुलनेस ज्यादा राउंड है, या तो ये यहाँ से ज्यादा दूर है या फिर यहाँ पर ज्यादा शेप होना चाहिए। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो किसी को इस पोज में खड़ा करवाती और इन मसल्स पर काम करती। नाइस रिंकल्स, क्रीजेस। हाँ मुझे पता है, मुझे क्रीजेस को लेकर काफी फिक्र हो रही थी क्योंकि मैं चाहती थी स्किन यंग दिखे। हाँ, मैं इसे दबा हुआ नहीं चाहती थी। ये ब्यूटीफुल है। हाँ। इसकी नेक बहुत ब्यूटीफुल बनी है। गुड, वेल जेनी, मुझे लगता है तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। ये ब्यूटीफुल है, ये वाकई शानदार दिख रही है। बस तुम्हें उन डिटेल्स को फिनिशिंग टच देकर उन्हें और सुधारना होगा और फिर ये पूरा हुआ तो हम इसे साइन करने के लिए तैयार हैं। मैं साइन कर देती हूँ। ये लो। जेनी ने बढ़िया काम किया जो ऑफिशियल हो गया, पर जेनी के इस क्ले स्टैचू का एक इंच भी उस फिनिश फिगर में नहीं होगा। ये तो बस अगली स्टेज के लिए एक मॉडल की तरह काम करेगा जहां बहुत सारे आर्टिस्ट अपना जादू बिखेरेंगे। मैडम टुसॉड एक खूबसूरत नाम ही नहीं है बल्कि वो एक असली लेडी भी थी। अगर आज हम उन्हें वापस जिंदा कर पाते तो ये एग्जीबिशन उन्हें अपना घर ही लगता जिसे उन्होंने 200 साल पहले बनाया था। हो सकता है कि वो अपने आसपास के सारे फिगर्स नहीं पहचान पाती, लेकिन इन्हें उसी टेक्निक से बनाया गया है जो उन्होंने डेवलप की थी और उनका सोल हमेशा यहाँ रहता है। 1761 में स्ट्रैसबर्ग फ्रांस में पैदा हुई मैरी टुसॉड एक यंग लेडी थी जो पेरिस में रह रही थी जब फ्रेंच रेवोल्यूशन ने उनकी जिंदगी बदल कर रख दी। उन्हें वर्साई के रॉयल पैलेस से मजबूरन अपनी जॉब छोड़नी पड़ी जहां वो एरिस्टोक्रेट्स के बच्चों को आर्ट पढ़ाती थी। तब उन्होंने अपने अंकल को ज्वाइन कर लिया जो एक छोटा सा वैक्स म्यूजियम चलाते थे। मरी को डेड एरिस्टोक्रेट्स के सर से डेथ मास्क बनाने का डरावना काम सौंपा गया जिन्हें गिलेटिन पर मारा गया था। आज की एग्जीबिशंस में उनका वो एक्सपीरियंस चेंबर ऑफ हॉरर्स में ग्राफिकली दिखाया जाता है। इन यादों से पीछा छुड़ाने के लिए मैडम टुसॉड फ्रांस छोड़कर इंग्लैंड पहुंच गई और खुद का एक वैक्स म्यूजियम शुरू किया। उनके हस्बैंड ने उन्हें छोड़ दिया और अपने दो बच्चों के साथ वो कंट्री में अलग अलग जगहों पर एग्जीबिशंस लगाने लगी। आज भी ऐसी कई फीमेल बिजनेस लीडर्स होंगी, पर उन दिनों में मेरा मतलब वो एक मदर होने के साथ साथ बिल्कुल यूनिक रही होंगी जिनके हस्बैंड उन्हें छोड़ गए हों और वो अपने दो बच्चों के साथ सफर करना और यूके में एक हॉर्स और कार्ट के साथ घूमना, इसे एस्टैब्लिश करना, एडवर्टाइज करना, प्रमोट करना, मेरा मतलब वो एक बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेडी रही होंगी। मैडम टुसॉड 1850 में गुजर गई जब वो 89 ईयर्स ओल्ड थी। वो अपने पीछे एक यूनिक एंटरटेनमेंट बिजनेस छोड़ गई। अब उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए टुसॉड अपनी एक और ब्रांच खोल रहा है। हर साल 30 मिलियन लोग एंटरटेनमेंट के लिए लास वेगास आते हैं। ये कंट्री की पांचवीं सबसे पॉपुलर हॉलिडे डेस्टिनेशन है और टुसॉड को लगता है कि अमेरिकन लोगों के सामने अपना मजेदार ब्रांड खोलने के लिए इससे बढ़िया जगह नहीं मिल सकती। मैडम टुसॉड ने लास वेगास में अपना सेलिब्रिटी इनकाउंटर 1999 में खोला था जिसमें बहुत से वेगास स्टार्स आए थे। ऐसा शायद ही कभी होता होगा जब आपको अपने पीछे खड़े होने का मौका मिले। आप बता नहीं सकते कि कौन असली है और कौन नकली, इसलिए ये पता लगाने का एक ही तरीका है कि आप इन्हें धूप में रख दें। The Jewish Everly Brothers. वैसे आप प्रीमियर्स में अपनी जगह इस चीज को भेज सकते हैं। ये मेरा क्रेडिट कार्ड यूज कर सकती है। वेल, अब मैं और ज्यादा नहीं बताऊंगी कि वो क्या कर सकती है। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। विनीशियन रिजॉर्ट की शानदार दुनिया में शान से बना लास वेगास के मैडम टुसॉड म्यूजियम में ज्यादा कुछ देखने को नहीं है, पर जितना भी है लोगों को उतना ही देखने में मजा आता है। यहाँ जितने भी फिगर्स लगाए हुए हैं आप देख सकते हैं, उन्हें किसी म्यूजियम की तरह बांध कर नहीं रखा गया है। ये डेफिनेटली आपके सामने है जिनसे आप गले लग सकते हैं, उनके पिक्चर ले सकते हैं, उनके बालों को छू सकते हैं, आपकी जो मर्जी है वो कर सकते हैं। क्रिस्टल, मैं सिल्वेस्टर के साइज का हूँ, मैं जीत सकता हूँ। वेरी गुड। ओह गॉड, ऐसा लग रहा है ये अभी बोल पड़ेंगे।
हम यहाँ लंदन से दो चीजें लाए हैं, एक हिस्ट्री और दूसरा वैक्स स्टैचूज, जिनकी क्वालिटी का जवाब नहीं। जब आप लास वेगस के मैडम टुसॉड में आएंगे तो आप पाएंगे कि ये लास वेगस की थीम पर बना है। आपको ये सब और कहाँ देखने को मिलेगा, ये सारे लास वेगस आइकॉन्स जो एक ही रूम में एक साथ खड़े हैं। यूएस में नया म्यूजियम खोलने पर मैडम टुसॉड की अमेरिकन सेलिब्रिटीज के साथ कई नई सिटिंग्स शुरू हो गई हैं। 1.3 डिमांड बहुत ज्यादा है। सिर्फ वेगस से क्या होगा, टुसॉड न्यूयॉर्क में एक नई एग्जीबिशन के साथ ईस्ट कोस्ट को भी टारगेट करना चाहता है। 42nd स्ट्रीट पर नए डिस्प्ले में 200 स्टैचूज होंगी। लोगों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए टुसॉड ने अपनी ऑफिशियल ओपनिंग से पहले लोगों के लिए एक खास इवेंट रखा है। ये आदमी इलेक्शन लड़ सकता है, लोग इसे पसंद करेंगे, ये ज्यादा स्माइल करता है। लेकिन मैडम टुसॉड के पर्दे के पीछे स्माइल के साथ टेंशन का माहौल भी है। ये एक एम्बिशियस और रिस्की प्रोजेक्ट है। ये कंपनी के लिए काफी खास प्रोजेक्ट है, क्योंकि न्यूयॉर्क जिसे हम सिटी ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं और हम इस सिटी में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं उन सारे बढ़िया एंटरटेनमेंट के अलावा जो ये सिटी आपको देती है। टुसॉड ये उम्मीद नहीं करता कि वो अपनी लंदन की 200 साल पुरानी एग्जीबिशन को न्यूयॉर्क में लाते ही कामयाब हो जाएगा। ड्रॉइंग बोर्ड से शुरू करके उन्होंने अलग अलग स्ट्रेटेजी बनाई, जिसका मकसद प्रोडक्ट की क्वालिटी बनाए रखना था, लेकिन उसे एक नए एनवायरनमेंट में ढालते हुए। हम इस सिटी का एक हिस्सा बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये सिटी हमारे नाम से जानी जाए। ये फ्रेंचाइज बनाने वाली बात नहीं है, ये पूरा ब्रांड है, एक वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड जो क्वालिटी, हिस्ट्री और हेरिटेज और फन रिप्रेजेंट करता है। और इन सबको एक सिटी में लाकर, यानी न्यूयॉर्क में, हम इस सिटी को एक नया एक्सपीरियंस देना चाहते हैं। हम सोचते हैं अगर हम खुद को एस्टेब्लिश कर पाए और न्यूयॉर्क के लोग हमारी तारीफ करने लगे, जैसे वो रेडियो सिटी म्यूजिक हॉल या मेसेज परेड की करते हैं और ये कहें न्यूयॉर्क में आपके विजिट टुसॉड के बिना अधूरी है, तब हम समझेंगे कि हम कामयाब हुए। न्यूयॉर्क ही वो जगह है जहां मिशेल क्वान की स्टैचू दिखाई जाएगी। फिलहाल उनकी ओरिजिनल क्ले स्टैचू इस प्लास्टर पीस मोल्ड में बंद है। जब प्लास्टर जम जाता है तब उसके हर एक हिस्से को एक एक करके हटाया जाता है और उन्हें वापस जोड़ा जाता है। ये इस प्रोसेस का वो हिस्सा है जो मैडम टुसॉड नहीं पहचान पाती। वो अपनी बॉडीज लेदर और हॉर्स हेयर से बनाती थीं। आज उन्हें फाइबर ग्लास और रेजिन में कास्ट किया जाता है। इस क्ले फिगर का काम खत्म हुआ, अब इसे रिसाइकल करके इससे अगली सेलिब्रिटी बनाई जाएगी। अब शुरू होता है सर बनाना, जिसे 76 डिग्रीज पर गर्म किए हुए 100% बी वैक्स से बनाया जाता है। फिर वैक्स को हेड मोल्ड में डाला जाता है, जिसे ओरिजिनल क्ले के चारों ओर फिर से पीसेस में बनाया जाएगा। क्ले को निकाल दिया जाता है और मोल्ड में मोल्टेड वैक्स डाल दी जाती है। यहां बबल्स का ध्यान रखना होता है जो उनके पूरे काम को खराब कर सकते हैं। वैक्स के सेट होते ही सर को मोल्ड से कास्ट किया जाता है। मोल्ड्स को वापस काम में ला सकते हैं और ये मिशेल क्वान के सर की दूसरी कास्टिंग है। जेनी पहले वाले से खुश नहीं थी। ये बेहतर है ना? हाँ, ये उनसे मिलता है। वहां से थोड़ा सा खींचिए। ये पहले वाले से कहीं ज्यादा बेहतर बना है। हाँ। मुझे पहला वाला ज्यादा अच्छा नहीं लगा जितना दूसरा वाला है। पहले पीछे का पीस हटाएंगे। मैं मदद करूं? फिर उसके बाद साइड पीसेस। ये निकल आया, यहाँ से संभाल कर हटाना होगा। कान पर से मोल्ड पीसेस हटाना हमेशा ट्रिकी होता है, क्योंकि कान के टूटने का डर होता है और अगर ऐसा हुआ तो पूरा प्रोसेस दोहराना पड़ सकता है। फैंटास्टिक। ओके। मोल्ड का छोटा सा हिस्सा रह गया। ये लो, हो गया। परफेक्ट। ये बढ़िया दिख रहा है। थैंक यू। इस वक्त मिशेल क्वान की बॉडी मैडम टुसॉड के स्टूडियो में अलग अलग पीसेस में बन रही है। लीसा पार्ट्रिज इस वक्त उनकी आंखों पर काम कर रही हैं। वेल, हमें ऐसे बटन से एक पूरी आंख बनानी होती है। हम एक बटन से शुरू करते हैं जिसे पेंट किया जाता है वाटर कलर और वार्निश से। फिर हम इसे एक मोल्ड में डालकर ओवन में रखते हैं और ये ऐसे बन जाता है जो होता है स्क्लेरा, यानी ये व्हाइट हिस्सा। उसके बाद हम वेन्स बनाने के लिए सिल्क थ्रेड लगाते हैं और फिर
आखिरी स्टेज में इसे कुछ घंटे के लिए अवन में रख दिया जाता है। हम जानते हैं लोग सबसे पहले स्टैचू की आंखों में देखते हैं, अगर आई सही नहीं होंगी तो वह इंसान भी सही नहीं लगेगा। आंखों में जान डालने के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि हम उनकी बहुत अच्छे से पॉलिश करें ताकि वो बिल्कुल साफ, चमकते हुए और परफेक्ट दिखे। किसी की भी आईज डल नहीं होती है। आंखों के बाद बारी आती है बालों की। टुसॉड अपने फिगर्स पर विक्स का इस्तेमाल नहीं करता, वो इंसान के असली बाल लगाते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, मैं वैक्स में हेयर्स लगा रहा हूँ। हर बाल को एक एक करके अंदर डाल रहा हूँ, उन्हें उसी डायरेक्शन में बना रहा हूँ जो मुझे चाहिए। डेविड इस वैक्स हेड में करीब 100,000 हेयर्स लगाएंगे। ये काम बिल्कुल उसी टेक्निक से किया जाता है जिस तरह से इंसान के बाल ग्रो होते हैं। मुझे इस पर काम करते हुए करीब 2.5 हफ्ते हो गए हैं और ज्यादातर वक्त मैंने इसकी हेयरलाइन पर बताया, क्योंकि उनकी काफी अलग हेयरलाइन है। स्ट्रेट बाल, बहुत पतले बाल, और उसे पूरा करने के बाद मैं यहाँ पर काम करूंगा और हेयरलाइन खत्म करने की कोशिश करूंगा, और फिर मैं सिर के पीछे काम शुरू करूंगा जहाँ वो अपना क्राउन पहनेगी। हेयर डायरेक्शन क्राउन के मुताबिक होंगे और इसमें 1 वीक लग जाएगा। सबसे आखिर में काम होता है कलरिंग पर। इसमें ह्यूमन स्किन की नकल करने के लिए वैक्स पर ऑयल पेंट्स लगाए जाते हैं। स्टैचू अब पूरी बन चुकी है और दुनिया के सामने आने के लिए तैयार है, पर देखना होगा कि असली मिशेल क्वान को ये कैसी लगती है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। लॉस एंजलिस एल सुगुंडो में हेल्थ साउथ आइस रिंक। आज मैडम टुसॉड में बनाई गई मिशेल क्वान की बॉडी को आइस पर प्रेस और टेलीविजन के लिए पहली बार दिखाया जाएगा। मिशेल ने अभी अपनी स्टैचू नहीं देखी है और प्रेस के आने से पहले उन्हें एक छोटी सी झलक दिखाई जाएगी। हम वहां उनका रिएक्शन देखने के लिए मौजूद थे। फैमिली को तो यकीन नहीं होगा। ये अमेजिंग है। ये बिल्कुल असली लग रहा है। आपके बाल भी बड़े हो रहे हैं। I can't believe this. और ये कॉस्ट्यूम भी। अपनी आंखें देखिए। ऐसा लग रहा है कि ये अभी कुछ बोल पड़ेंगी। शायद ये ब्लिंक करे। ओके। ओह, मेरा बर्थमार्क भी है। जब कोई मेरी पिक्चर ड्रॉ करके उससे मुझे दिखाता है तो वो मेरे जैसी नहीं दिखती, पर ये तो बिल्कुल असली है। यू नो, मेरा वैक्स स्टैच्यू देखना ये अमेजिंग है, क्योंकि एक्चुअली काफी स्कैरी है। मैं इसे देख रही हूं तो ऐसा लग रहा है कि ये मूव करेगी अभी अभी। पर फिर मैं रियलाइज करती हूँ कि मैं असली हूँ, ये तो स्टैच्यू है। अब वक्त है दूसरे लोगों का रिएक्शन जानने का, और इसे रिकॉर्ड करने के लिए प्रेस काफी अच्छी तादाद में आई है। पर ये अचानक खोलने से काफी बेहतर है। हमें एक दूसरे के पास खड़े देखना मजेदार होगा, और जब इसे आइस पर खोला जाएगा तो ये वाकई मजेदार होने वाला है। जब आप किसी से पूछेंगे कि इनमें से मिशेल कौन सी है, असली मिशेल कौन सी है, आई होप वो सही बता सके। ओके मिशेल, हर कोई इम्प्रेस्ड है। कैमरास क्लोजअप ले रहे हैं और मिशेल के यंग फैंस उनके डबल को देखकर एक्साइटेड हैं। पर सबसे अहम बात यह है कि मिशेल की मॉम उनका दूसरा रूप देखकर काफी खुश हैं। मेरे बाल भी बिल्कुल सेम है ना। वो स्केच साइन कर रही है। कल के न्यूज में ये स्टोरी होगी, और यूनाइटेड स्टेट्स पर मैडम टुसॉड का अटैक अपने अगले पड़ाव पर पहुंच गया है।
लंदन के ओरिजिनल मैडम टुसॉड में विजिटर्स को एक आखिरी एक्सपीरियंस दिया जा रहा है, यानी लंदन टैक्सी में एक राइड। ये सफर है पास्ट से प्रेजेंट तक का, जिसमें टुसॉड की पिछली दो सेंचुरीज की प्रोग्रेस दिखाई गई है। हम वैक्स के बिजनेस में पूरी तरह से लगे हुए हैं और मुझे लगता है कि हम इस बिजनेस में तब तक बने रहेंगे जब तक लोगों का फेम से मन नहीं भरेगा और जब तक वो यहाँ आकर मशहूर लोगों को देखते रहना चाहेंगे। लोग यहाँ आकर उन्हें देखना और उनसे मिलना पसंद करते हैं और हमें उन्हें बनाकर लोगों को दिखाने में खुशी महसूस होती है। हम उन्हें ये शानदार एक्सपीरियंस देते रहेंगे।